दोस्तों आप सबको मेरा प्रणाम। और आज एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ वेव ब्रेकर का गेम प्ले। यहाँ पे हम लोग रश खेल रहे हैं और हार्डकोर मोड में खेल रहे हैं। और जिन्हें पता नहीं है, हार्डकोर मोड ऐसा होता है कि अगर आपकी मान लो नॉर्मल मोड में आपकी 100% लाइफ होती है, तो हार्डकोर मोड में सिर्फ 60% हो जाती है। तो उतनी ही जल्दी आप मरते हो, और ऊपर से अगर आपकी पिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर कहने ही क्या। पर इस हार्डकोर मोड में मैं काफ़ी अच्छा करने में सफल रहा, और 32 मैंने किल करी हैं और 2 डेथ शायद मेरी हुई थी। और मेरा पूरा का पूरा इसमें पूरी पूरी कोशिश मेरी इसमें यही थी कि मैं ऐसी जगहों पे अपनी बोट ले जाऊं जहां पे मुझे लॉक ऑन दुश्मन ना कर पाए और फिर भी मैं सपोर्ट दे सकूं, क्योंकि ये हार्डकोर मोड है और मुझे किल्स ज़्यादा करनी है। अपनी टीम को मुझे सपोर्ट करना था, तो मैंने 25 mm कैनन्स इसमें लिए हुए थे, जो कि जिसमें क्योंकि अगर 25 mm कैनन अगर आप बोट में लेते हो तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है आपको, और 30 mm कैनन बहुत कम होते हैं। और दूसरा मैंने लिया हुआ है सेकेंडरी चीज़ जो मेरा जो वेपन है बोट के अंदर, अटैक बोट के अंदर, वो है जूनी रॉकेट्स। और क्योंकि रश में अटैकिंग टीम के पास ही सिर्फ बोट होती है, तो यहाँ पर टीवी मिसाइल यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए जूनी रॉकेट्स मुझे सबसे पसंद है अगर आप रश में खेल रहे हो तो। और दूसरी जगह अगर आप कॉन्क्वेस्ट खेल रहे हो या कैरियर असॉल्ट खेल रहे हो, तो वहाँ तो आपको जो आपकी वेपन चॉइस है वो 30 mm कैनन ही रखनी होगी, और टीवी मिसाइल रखना होगा, और एक्टिव प्रोटेक्शन रखना होगा। मैं तो एक्टिव प्रोटेक्शन रखता हूँ, हालांकि एक्टिव प्रोटेक्शन जो है वो टीवी मिसाइल से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, और बाकी संभवतः बहुत सारी चीज़ों से आपकी रक्षा कर ही सकता है। पर अगर जेट भी होता है, मान लो आपको अटैक जेट ऊपर से मार रहा है, तो वो एक्टिव प्रोटेक्शन आपको पूरी तरह नहीं बचाता, पर 50% डैमेज तो आपको जेट कर ही लेता है, तो उतना घाटा तो है। पर कुल मिला के ये रश के लिए ये सबसे बेस्ट लोड आउट है, और काफ़ी मज़ा आया मुझे जब मैं ये मोड खेल रहा था। और हार्डकोर मोड भले ही मैं खेल रहा हूँ व्हीकल के अंदर, पर इसमें घाटा ये है कि 2 RPG अगर मुझे एक साथ लग जाएंगी तो मैं एकदम, मेरी बोट और मेरे जो भी बोट में बैठा है सब हम लोग उड़ जाएंगे, क्योंकि 2 RPG लगी, 27 का डैमेज है RPG का, तो 2 RPG जैसे ही मुझे लगी 54 का डैमेज हुआ, और 6 उतने में तो डिसेबल ही हो जाएगी ना, फिर 6% में वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। और जब भी मैं एक्टिव प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा था तो मैं RPG के हिट से बार बार बच रहा था, तो ये काफ़ी अच्छा लोड आउट मेरे लिए। और अटैक बोट में सबसे खास बात यह है कि अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है टीवी मिसाइल पे, तो आपको एकदम आप हक्के बक्के से रह जाते हो, क्योंकि कल मैं खेल रहा था पैरासल स्टॉप में ऑब्लिट्रेशन में खेल रहा था, और काफ़ी दिनों से मैंने बोट नहीं चलाई थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा था। अवेयरनेस हमारी कम हो जाती है, जैसे अगर हमने जहाँ प्रैक्टिस हमारी छूटी वहाँ हमारी थोड़ी सी अवेयरनेस पर फ़र्क आता है, और हमको 2-3 मैच तो वार्म अप होने के लिए लग जाते हैं कि यार कहाँ पे क्या हो रहा है समझने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा हार्डकोर मोड, मुझे मैंने दूसरी तीसरी बार बैटल फील्ड की लाइफ में हार्डकोर मोड खेला होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो उस पर लाइक बटन हिट कीजिए, और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं गुरडी, भारत माता की जय।